हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। लेकिन इस गुप्ता डायनेस्टी में हम लोग खाली और खाली एम्परर्स और रूलर्स के बारे में बात कर पाए थे। इससे रिलेटेड जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है या आर्ट एंड कल्चर है, इसके हम लोग डिस्कशन को नहीं किए थे और फटाफट चलिए इसी को पहले डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो हम लोगों ने देखा था बेसिकली गुप्ता अंपायर के बारे में और हम लोगों ने देखा था ये पूरा का पूरा जो टेरिटरी था वो इस तरीके से गुप्ता अंपायर ने कैप्चर करके रखा था। गुप्तास के बारे में हमें पता है कि देवर सबऑर्डिनेट टू द कुशंस और कुशंस के सबऑर्डिनेशन में सबसे पहले ये छोटा सा इलाका था ईस्टर्न इंडिया का, या फिर कह सकते हैं यूपी बिहार का इलाका था, जहां पर कुशंस से गुप्ता डायनेस्टी निकल करके आई, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी राइज होकर के आई। और उस तरीके से चंद्रगुप्त वन के टाइम का ये एम्पायर था। फिर इसके बाद से समुद्रगुप्त आते हैं और इसने एरिया को काफी ज्यादा कॉन्कर कर लेता है और अल्टीमेटली यहां पर जो वकाटकाज हैं उनके साथ में इनका एक फ्रेंडली रिलेशन सामने आता है। फिर अल्टीमेटली चंद्रगुप्त टू आते हैं जो कि गुजरात के भी एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, शकास को भगा देते हैं और अल्टीमेटली वकाटक के साथ जो अभी तक फ्रेंडली रिलेशन चल रही थी उनके साथ में अब एक फैमिली रिलेशन यानी कि मैरिज करके अल्टीमेटली एक मैरिटल रिलेशंस बना देते हैं और इस तरीके से पूरी की पूरी डायनेस्टी चल रही होती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि अल्टीमेटली जो लेटर गुप्ता आते हैं वो बाद में फिर वीक साबित होते हैं और अल्टीमेटली ये जो पूरी की पूरी गुप्ता डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। और इस तरीके से हम लोगों ने स्कंद गुप्त तक, लास्ट रूलर तक देखा था और उसके बाद में जो लेटर गुप्ताज है उनके बारे में मैंने आप लोगों को नाम नाम बता दिया था और मैंने बता दिया था इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे लाइक बालादित्य के बारे में मैंने बता दिया था। इसके अलावा बुद्धगुप्त हो गए, भानुगुप्त हो गए और लास्ट रूलर विष्णुगुप्त के बारे में मैंने बता दिया था। इसके बाद से इनका जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और डिसइंटीग्रेशन के बाद अल्टीमेटली किस तरीके की डायनेस्टी सामने आती है वो हम लोग एंड ऑफ दिस लेक्चर देखेंगे और वही हमारा आगे के लेक्चर में सीन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे सामने निकल करके आई थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी में यहाँ के आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर और सोसाइटी से रिलेटेड, फिर हम लोग अल्टीमेटली इनके डिक्लाइन पे आ जाएंगे और लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरीके से बाकी की डायनेस्टी राइज होकर के निकल करके आई। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो किंग रिमेन्ड एज सेंट्रल फिगर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर अगेन ये एक सेंट्रल फॉर्मेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सामने निकल के आ रही थी। अंपायर जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड होकर के रखे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वैदिक सिस्टम से ही बात करके आ रहे हैं कि सबसे नीचे के लेवल पे होती है कुल, कुल के ऊपर में ग्राम होती है, ग्राम के ऊपर में फिर विश हो जाती है, विश जिसको हम लोग जिला भी बोलते हैं, विश के ऊपर फिर अल्टीमेटली भुक्ति हो जाती है, दिस इज भुक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली बना हुआ था। इस भुक्ति के ऊपर इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो है वो देश बन गया था, ये एक नया सिस्टम निकल करके सामने आया था बिकॉज ऑफ द लार्जर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। हालांकि एक छोटा सा और भी हमें यहां पर यूनिट देखने को मिलती है ग्राम और विश के बीच में, जिन्हें पेठ बोला जाता था, दिस इज पेठ। तो बेसिकली एक तरीके से आप सिक्स फॉर्मेट में आप टेरिटरी को या सिक्स स्टेज या फेज में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नीचे के लेवल पे जो कुल होती थी, ऑब्वियसली इसका जो फैमिली क्लैन का जो भी हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, उसी को हम लोग बोल देते थे या कुलपति भी बोल सकते हैं। ग्राम में जो ग्रामपति होगा उसको हम लोग इसका हेड बोल देंगे, दिस इज ग्रामपति। और इसी को ग्रामपति के जगह पर बोल दिया जाता था महत्तर, दिस इज महत्तर। क्लियर हो गया। पेठ को ऑब्वियसली जो इसका हेड होगा उसको पेठ पति बोल दिया जाएगा, दिस इज पेठ पति। या इसी को बोला जाता था तहसील, दिस इज तहसील। हमारे जो आज के डेट में आप तहसील देखते हैं वही तहसील है। या इसी को बोला जाता था वीथी, दिस इज वीथी। क्लियर हो गया। फिर अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है उसको विश बोलते हैं और उसका जो हेड होगा वो विषय पति हो जाएगा।
भुक्ति, ये भी अगेन इसके नेक्स्ट लेवल पे, या फिर इसको बोल सकते हैं दिस इज प्रोविंशियल लेवल पे हो जाएगा। तो ये प्रोविंस हो जाती थी, और यहां पर जो हेड होते थे उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसको बुलाया था ऊपरिक, दिस इज ऊपरिक। और जो देश रहेगा ऑब्वियसली वहां पर तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको गोपर्ना, दिस इज गोपर्ना, या फिर इसी को गोपर्नी बोला जाता था, दिस इज द हेड ऑफ द स्टेट, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि विलेज है तो ग्रामपति हो जाएगा, भुक्ति है तो इसका जो हेड रहेगा वो ऊपरिका हो जाएगा, विषय होगा तो विषयपति इसका हेड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये बेसिकली देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका जानना, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कि अल्टीमेटली टॉप पर, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं दिस इज बॉटम टू टॉप अप्रोच, जहां पर टॉप लेवल पे जो है वो देश है और नीचे के लेवल पे आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ कुल या फिर फैमिली की एक लीनियज हो जाती है। क्लियर हो गया। आगे अगर बात किया जाए तो गुप्तन मोनार्क एडॉप्टेड टाइटल्स लाइक परम भट्टारिका, यहां पर वन सेकेंड इरेज कर देता हूं मैं, परम भट्टारिका, छत्र चक्रवर्ती, तो इस तरीके के ये टाइटल्स बेसिकली अडॉप्ट किए थे, जो कि दिखाता है कि ये डिवाइन ऑन अर्थ है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अपने आप को सुपीरियर मानते थे, स्ट्रांग मानते थे, इस वजह से अगेन हमें इस तरीके के टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों का रिलीजन में काफी ज्यादा एक बिलीफ था, और इसी वजह से अगेन परम भागवत, देवव्रत, देवगुप्त, इस तरीके की अगेन टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम पावर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो अ राइटियस पाथ एंड हैड सर्टेन ड्यूटीज। किंग यूज्ड टू टेक एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इश्यू रिटन इंस्ट्रक्शन टू ऑफिशियल ऑन इंपॉर्टेंट मैटर। तो सिंपल सी बात है, फरमान तो जारी करेंगे ही करेंगे, जैसे आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना कि फरमान जारी किया गया है क्या, तो ये वही फरमान है। बेसिकली फरमान इज द रिटन इंस्ट्रक्शन, जो कि एक उर्दू वर्ड है, और ये हमें मेडिवल टाइम पर ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो मिनिस्टर्स ऑफिस वॉर हेरिडेटरी, जो मिनिस्टर का ऑफिस था वो हेरिडेटरी हुआ करता था। नेपोटिज्म देखिए पाया जा रहा है यहां पर। उदयगिरी केव जो है यहां पर मेंशन किया गया है, हालांकि उदयगिरी केव में हमें एक और चीज मिलती है, और वो क्या है, वराह अवतार ऑफ विष्णु, वराह अवतार के बारे में यहां पर बताया गया है, तो इस वजह से अगेन ध्यान में रखना है। क्लियर। आगे देखते हैं, किंग वॉज असिस्टेड बाई महानंदनाय, तो ये बेसिकली क्या है, जो महादंड देने वाला होता है उसी को बोला जाता है, दिस इज द चीफ जस्टिस। तो हमारे टाइम पर भी आज भी जुडिशरी में देखने पे क्या होता है, चीफ जस्टिस एक होता है ना, तो वही है यहां पर, महादंड नायक हो जाता है, इन द जस्टिस दिस इज जस्टिस डिलीवरी। सिमिलरली एट भुक्ति एंड विषय लेवल द वर्क वॉज इंटरेस्टेड टू द ऊपरिका एंड विषयपति, तो जो भी टॉप लेवल पे होंगे, जैसे अभी आज की डेट में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द सुपीरियर अथॉरिटी टू डिलीवर द जस्टिस इन द डिस्ट्रिक्ट। तो अगेन वही चीज है कि नीचे के लेवल से जैसे जैसे ऊपर उठेंगे वैसे वैसे ही अल्टीमेटली यहां पर भी हमें सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर कोई अलग सिस्टम नहीं है, इनफैक्ट हम लोग अपने पुराने टाइम से ही ये पूरा का पूरा सिस्टम एडॉप्ट किए हुए हैं। तो हाई अदर हाई ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, जैसे महाप्रतिहार होते थे जिसे बोला जाता था, जो कह लीजिए जो किला है, जो पैलेस है, जो पूरा का पूरा राज दरबार है उसकी गार्डिंग कर रहे होते थे, तो उन्हें महाप्रतिहार बोला जाता था। इसी तरह से दत्तक बोला जाता था, जो कि बेसिकली जो होता है गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे उनको, ये देखा जा रहा होता था, इन्हीं को बोला जाता था अग्रहिका। ठीक है, तो अग्रहिका भी बोला जाता था, जो कह लीजिए कि गिफ्ट में लैंड वगैरह दिया जाता था, और अग्रहक बोला जाता था जो गिफ्ट दान में दिए जाते थे। अभी हम लोग लास्ट में एक बार रिविजन भी कर लेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। आगे अगर आर्मी के बारे में देखा जाए तो आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ द पीस एंड वॉर, जिसे कहा जाता था विग्राहिका। तो जो विग्राहिका होते थे वो कह लीजिए कि एक मिनिस्टर होते थे जो पीस और वॉर का चार्ज लिए रहते थे, जैसे बोल सकते हैं आप विग्राहिका, ये जो है वो डिफेंस मिनिस्टर एक तरीके से आप बोल सकते हैं आज के टाइम पर, दिस इज डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऑफिशियल्स लाइक पिलुपति, जो कि हेड ऑफ द एलिफेंट को बोला जाता था, अश्वपति जिसे हॉर्सेस का हेड बोला जाता था, नरपति जो फूट सोल्जर्स होते थे उनको बोला जाता था। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जैसे पिलुपति ये पहली बार आप लोगों को सुनने में को मिल रहा होगा, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टोर जो होते थे उनको रण भंडार गृहिका बोला जाता था। अब जैसे देखिए इसको अगर हिंदी में लिखेंगे, दिस इज रण का मतलब क्या होता है,
बैटलफील्ड, फिर उसके बाद से भंडार का मतलब क्या होता है, जहां पर स्टोर हाउस होते हैं, और गृहिका का मतलब क्या होता है, जो भी इसका ऑफिसर इंचार्ज होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द स्टोर होगा उसको हम लोग रण भंडार गृहिका बोल दिया जाएगा। तो इसको बस कुछ नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक हिंदी एंड संस्कृत का मिक्सचर। थोड़ी सी अगर आपको हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली यू कैन डेसिफर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। आगे बात किया जाए रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, तो यहां पर लैंड रिवेन्यू एंड फाइन्स फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टेट्स इनकम। इसमें होता क्या था कि एक शुल्क लिया जाता था, दिस इज शुल्क। शुल्क का मतलब यह होता था एक तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शंस में जो भी ट्रांजेक्शंस आती थी उन पर एक टैक्स लगाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे वो लैंड रिवेन्यू हो चाहे फाइन हो, इन पर एक टैक्स लगाया जाता था और वही मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। एन ऑफिशियल अक्ष पताल धिरका ये जो है बेसिकली देखा करता था कि जो पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब कि पूरा जो टैक्स है वो देखा जाता था। तो दिस ऑफिशियल एंटर्ड इनटू द मैटर ऑफ रजिस्टर एंड रिकवर्ड रॉयल ड्यूज एंड फाइन्स, तो ये बेसिकली इसके द्वारा वसूल किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद से है 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है ये बेसिकली रॉयल रिवेन्यू के रूप में लिया जाता था। एक तरीके से बोल सकते हैं कि दिस इज अ, कह लीजिए कि एक तरीके का ये फिक्स टैक्स है। इस फिक्स टैक्स को ही हम लोग बोलते थे उदढंग, दिस इज उदढंग, DHANG। ठीक है, और ये बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं 1/6। हालांकि मॉडर्न टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य ने इसको क्या बताया, 1/4 से 1/6 के बीच में वैरी करता रहता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कितना टैक्स लेता था, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। सेम वही यहां पर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस हो गया है। इन एडिशन देयर वॉज ऊपर का, जो कि बेसिकली एक से एक जगह से दूसरे जगह पर जब भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती थी उस पर ये टैक्स लिए करते थे, तो ये ऊपरिका हो जाती थी, जो ऊपरी एक तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर वर्ल्ड बेस्ड सोसाइटी थी, और इनफैक्ट ये आइडियल सोसाइटी जो है बनाई गई थी। इनफैक्ट अगर हम लोग बात किया जाए फाहयान के बारे में, तो फाहयान जो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, वो पूरी की पूरी स्टोरी बताया हुआ है कि किस तरीके से द सोसाइटी वॉज लाइक अ डायमंड। जो सोसाइटी बनाई गई थी वो एक तरीके की आइडियल सोसाइटी थी, जहां पर जो शूद्र भी थे उनकी भी जो पोजीशन थी वो काफी हद तक इंप्रूव्ड पोजीशन में थी। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर एक जो है एक तरीके से कह लीजिए टेस्टिंग सिस्टम रखा गया था, जिसको टेस्टामेंट बोलते हैं ना, तो टेस्टिंग सिस्टम एक रखा गया था। उसमें ब्राह्मणों को कहा गया है कि ब्राह्मणों की टेस्टिंग अगर करना है तो स्केल से कर लेंगे, स्केल। अगर क्षत्रिय की करना है तो क्षत्रिय की टेस्टिंग हम लोग करेंगे किससे, फायर, अग्नि से। इसके अलावा वैश्य की टेस्टिंग करना है तो वाटर से किया जाएगा, लेकिन शूद्र की अगर टेस्टिंग करना है तो किससे करेंगे, पॉइजन से, जहर से करना होगा। तो ये बेसिकली टेस्टिंग सिस्टम बनाए गए थे। द इंक्रीज्ड लैंड ग्रांट टू ब्राह्मणास एंड राइज ऑफ ब्राह्मणा सेटलमेंट कॉल्ड ब्रह्मादित्य अग्रहार। तो यही बेसिकली जो अग्रहारिका मैं बोल रहा था वही है बेसिकली, ये एक तरीके का लैंड ग्रांट भी आप बोल सकते हैं या लैंड गिफ्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। जातीज दैट इमर्ज वर गिवन फिक्शंस ओरिजिन लाइक वर्ण सम कारा। तो ये सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस द धर्म शास्त्राज से वर्ण सोशल ऑर्डर कैन बी डेविएटेड। तो अगेन वही चीज है, और बार बार एक ही वर्ड को बार बार घुमा घुमा करके लिखा जा रहा है। लाइक एक चीज और इंपॉर्टेंट जिसमें चंडाल्स बोला जाता था, दिस इज चांडाल, हिंदी में जब लिखेंगे तो दिस इज लाइक चांडाल। चांडाल कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, ये जो है लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के होते हैं, जो शूद्र से भी नीचे होते हैं, और इनका बायकॉट किया जाता था, ना सिर्फ सोसाइटी के द्वारा बट ऑल्सो फ्रॉम द जो रूलर जो है उसके द्वारा भी बायकॉट किया जाता था। इसलिए बायकॉट किया जाता था क्योंकि एक तो ये नॉनवेज का सेवन करते थे, इसके अलावा लोगों को मारते थे, लोगों का मतलब जानवरों को मारते थे, पिक्स वगैरह जो है, बीफ वगैरह जो है, या फिर कह लीजिए कि आज के टाइम का जो बीफ जो सिस्टम है वो बेसिकली उसका ये खाते थे। तो इस वजह से इनको सोसाइटी से बायकॉट करके रखा जाता था। एंड हुवर केप्ट आउट ऑफ फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। क्लियर हो गया क्या चीज है। वुमेन फ्रॉम द हायर वर्ण वर गिवन लोअर पोजिशन इन सम केसेस, दे वर ट्रीटेड एज शूद्रास। तो अगेन वुमेन की जो कंडीशन है वो कुछ खास इंप्रूव नहीं होती है, बल्कि इनकी कंडीशन अभी भी खराब ही रहती है। कई सारे केसेस यहां पर जैसे सती सिस्टम वगैरह धीरे धीरे इवॉल्व कर जाएगा। तो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू प्रूव दैट लैंड ग्रांट
were given to women, brahmanas. जैसे क्या है, उस समय महिलाओं को कोई भी लैंड ग्रांट नहीं दिया जाता था और स्थिति आप देख सकते हैं कि खराब होती जा रही है. अगर उनको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियली वीक रहेंगी. फाइनेंशियली वीक रहेंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन मेल काउंटर पार्ट. तो इस तरीके से मेल डोमिनेंस जो है वो सामने आती है. अगर रिलीजन के बारे में बात किया जाए तो यहां पर बेसिकली हमारे पास फोर टाइप ऑफ रिलीजन सामने देखने को मिलती है. एक होता है जो हिंदू में ही वैष्णव हो जाते हैं, दिस इज वैष्णव, या इसी को बोलते हैं भागवत, दिस इज भागवत. हम लोग बात करेंगे भागवत धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, ठीक है, भागवत. दूसरी शैवाइट्स होते थे, तीसरी बुद्धिज्म होती थी, चौथी जैनिज्म होती थी. तो ये बेसिकली हमारे पास फोर टाइप ऑफ कह लीजिए इंपॉर्टेंट रिलीजन होते थे जिसमें मैक्सिमम वैष्णव थे. लेकिन इसमें कुछ हमारे रूलर जो है वो शैव भी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णव के बारे में बात किया जाए तो हमारे जितने भी मोस्ट ऑफ द रूलर्स हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, दोनों ही, समुद्रगुप्त, ये सब जो है वो वैष्णव थे. पता कैसे चलता है? एक तो परम भागवत की जो टाइटल है, दिस इज परम भागवत का जो टाइटल है वहां से हमें पता चलता है. और ये किसका टाइटल था? ये था चंद्रगुप्त टू का, दिस इज चंद्र, सीजी लिख दे रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त टू का था, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने क्या किया था, सिक्स टाइप ऑफ कॉइन्स चलाए थे, सिक्स टाइप ऑफ कॉइन्स. और इस सिक्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स जो है बेसिकली, हालांकि ये जो सिक्स टाइप ऑफ कॉइन्स जो है ये समुद्रगुप्त ने ही चलाए हुए थे. तो इसमें छह टाइप में आया था. एक था जो गरुड़ टाइप का, गरुड़ टाइप की कॉइन थी. गरुड़ टाइप का कॉइन कहने का मतलब कि ये वैष्णव रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे. दूसरा था अश्वमेध टाइप का, अश्वमेध टाइप जिसमें अश्वमेध के बारे में पता था. तीसरा जो कह लीजिए कॉइन था वो वीणा टाइप था. वीणा टाइप का मतलब यहां पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया था. तो अगेन जो है एक इंपॉर्टेंट टाइप भी आप बोल सकते हैं. और विष्णु जी की जो प्रेयर भी की जाती है वो भी वीणा से ही की जाती है. चौथा जो इनका टाइप ऑफ कॉइन था वो उसको व्याघ्र बोला जाता, दिस इज व्याग्रहा, व्याग्रह टाइप ऑफ कॉइन थी. इसके अलावा फिफ्थ जो थी वो परशुराम टाइप की थी, परशुराम टाइप ऑफ कॉइन, जहां पर परशुराम को दिखाया गया. इनफैक्ट इसी को बोला जाता है धनुर्वेदी, दिस इज धनुर, दिस इज धनुर्वेदी, आचरी को लेकर के बेसिकली बनाई गई थी. तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉइन्स थी जहां से हमें पता चलता है. हालांकि जो है जो सिक्स टाइप ऑफ कॉइन है, धनुर्वेदी के रूप में ही इसको बोल दिया जाता है. तो ये बेसिकली सिक्स टाइप ऑफ कॉइन्स हो जाती हैं. और इसके बाद के जो लेटर आते हैं, चंद्रगुप्त भी आते हैं, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त टू आते हैं वो भी यही गरुड़ टाइप ऑफ कॉइन्स बेसिकली चलाए हुए थे. तो यहां से हमें पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म को, वैष्णव रिलीजन को, वैष्णव सेक्ट को प्रमोट किए हुए थे. लेकिन चंद्रगुप्त के बाद जो आगे आते हैं, चाहे वो कुमारगुप्त हो चाहे स्कंदगुप्त हो, ये दोनों के दोनों शैवाइट्स थे, शैवाइट टाइप के कॉइन निकाले हुए थे. कैसे पता चलता है? जो कुमारगुप्त थे इन्होंने मयूर टाइप ऑफ कॉइन निकाला था जहां पर कार्तिकेय की फोटो बनी हुई थी. तो यहां से हमें ये पता चल जाता है. जो स्कंदगुप्त थे इन्होंने नंदी टाइप ऑफ कॉइन चलाई थी जहां पर नंदी बैल बने हुए थे. अगेन ये भी शैवाइट का ही एक सिंबल है. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ यहां पर वैष्णव को फॉलो करने वाले हैं, कुछ यहां पर शैवाइट्स हैं. तो यहां कॉइन के माध्यम से हम लोग देखने को मिल जाता है. इसके अलावा हमें गुफाएं भी हैं, जो केव्स हैं वहां से भी हमें अलग अलग टाइप का मिलता है. जैसे जूनागढ़ हो गया, यहां पर भी हमें कह लीजिए कि विष्णु के वराह अवतार, वामन अवतार मिलता है. सिम, दिस इज वामन, वामन अवतार मिलता है. सिमिलरली उदयगिरी हिल्स से, दिस इज उदयगिरी हिल्स, यहां से हमें वराह अवतार मिलता है. तो ये दोनों क्या है? आखिर विष्णु के ही अलग अलग अवतार्स हैं. और यहां से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ये वैष्णव सेक्ट को ही फॉलो कर रहे थे. क्लियर हो गया क्या चीज है? शैव सेक्ट के बारे में हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिलती है कुमारगुप्त और जो स्कंदगुप्त थे इन्हीं लोगों से, कि हमें अलग अलग जो है वो शिव की मूर्तियां मिली हैं. शिव की मूर्ति में एक तो फैजाबाद में ही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फैजाबाद में फोर फेज्ड शिवलिंग मिला हुआ है. सेम वैसे ही नागौद में, नागौद जो है वो एमपी में पड़ता है खो के पास में, और यहां पर सिंगल फेज्ड शिवलिंग मिला हुआ है. तो यहां से हमें पता चलता है कि ये शैवाइट के फॉलोअर थे.
यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके अलावा एक अर्ध नारीश्वर, दिस इज अर्ध नारीश्वर, ये देखिए नाउन है इसलिए ऐसे ही याद रखना है, अर्ध नारीश्वर फोटो मिली है शिव की, तो ये भी अगेन एक नया सिंबल शिव को शैवाइट्स को प्रमोट करते हुए निकाला गया था। तो क्लियर हो गया वैष्णव सेक्ट के बारे में, क्लियर हो गया शैवाइट सेक्ट के बारे में, क्लियर हो गया। नाउ बुद्धिज्म के बारे में अगर बात किया जाए तो कई सारे ऐसे टेम्पल्स बनाए गए हैं जहां पर टेम्पल के साथ साथ स्तूप भी बनाए गए हैं, जहां से हमें यह पता चलता है कि इन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया है। ऑल दो ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगेन थोड़ा मोड़ा तो प्रमोशन किया ही गया है। जैसे कुछ यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल्स के रूप में बताऊं तो यहां पर एक बुद्ध गुहा मंदिर बनाया गया, दिस इज बुद्ध गुहा टेम्पल, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ केव टेम्पल, ये केव टेम्पल है जो गुहा नाम से टेम्पल को ही बोला जाता है। इनफैक्ट इसके अलावा अजंता के केव्स, अजंता केव जहां पर केव नंबर 16, 17 और 19, ये तीन बेसिकली केव्स बनाए गए। इसके अलावा बाघ केव्स, दिस इज बाघ केव्स, ये भी जो है बेसिकली यहां पर 9 केव्स हैं और ये 9 केव अल्टीमेटली जो है वो बुद्धिज्म को ही कह लीजिए कि जो है प्रमोट करते हैं, बुद्धिज्म को ही शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस बुद्धिज्म, इस गुप्ता पीरियड में जो बुद्धिज्म है वो उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं करता है, जिसके कारण से वैशाली, ठीक है, वैशाली जो कि कह लीजिए कि जो है बिहार में पड़ती है वैशाली, इसके अलावा श्रावस्ती यूपी का श्रावस्ती एंड कौशाम्बी, इन तीन जगहों से बुद्धिज्म का नामो निशान मिटा दिया जाता है, मतलब बुद्धिज्म को यहां से खत्म कर दिया जाता है, ये इलाके से जो है बुद्धिज्म इलिमिनेट हो जाता है। तो यहां से हमें बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी प्रमोशन जरूर हो गई है। लास्टली आ जाते हैं जैन सेक्ट के बारे में, तो जैन भी अगेन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगेन यहां पर हमें कुछ फॉर्मेट ऑफ जैन देखने को मिलते हैं। जैसे जैन धर्म में दो सेक्ट होते हैं, वन इज द श्वेतांबर, दिस इज अ श्वेतांबर जो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, और दूसरे होते हैं दिगंबर जो मतलब कुछ नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर जो सेक्ट है वो दो रीजन में फ्लरिश किया था, वन वॉज द मथुरा, एक तो मथुरा हो गया, दूसरा वल्लभी में बढ़ा था, वल्लभी गुजरात में पड़ता है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न एरिया है वहां पर श्वेतांबर सेक्ट प्रमोट हुआ, जो दिगंबर सेक्ट था ये बंगाल में एक पुनर्वर्धन राजा था, उसने बेसिकली प्रमोट किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक ईस्टर्न साइड में, दूसरी वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में श्वेतांबर आगे आ रहे हैं और ईस्टर्न साइड में दिगंबर आगे आ रहे हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म भी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा अगेन चल रहा था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि जो है इंटेलेक्चुअल्स भी हुए हैं, जैसे एक थे जिनका नाम है मुनि सर्वनंदी, दिस इज मुनि सर्वनंदी, ये सब आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि यहां पर इंटीग्रेट नहीं किया गया है। मुनि सर्वनंदी जैन धर्म के ही थे और इन्होंने एक एपिक लिखी हुई है जिसका नाम है लोक विभंग, दिस इज लोक विभंग एंड दिस इज एन एपिक, ठीक है, दिस इज एन एपिक, एक ग्रंथ है। इसके अलावा एक और हमारे इंटेलेक्ट हैं जिनका नाम है आचार्य, यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इज आचार्य सिद्धसेन, दिस इज आचार्य सिद्धसेन, वन सेकेंड, दिस इज सिद्धसेन, ठीक है, और ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट है और इन्होंने न्याय वार्ता लिखी हुई है, दिस इज न्याय वार्ता, ठीक है, न्याय वार्ता। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सिद्ध पुरुष क्या होता है, न्याय देता है, इसलिए न्याय वार्ता इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजन और उससे रिलेटेड जो डिस्कशंस है, तो ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि जो स्लाइड में है। देखिए बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव रॉयल पैट्रोनेज, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि यहां पर तीन इलाके थे जहां पर श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी हो गया, वैशाली हो गया, जहां से ये पूरा रिलीजन ही खत्म हो गया था, हटा दिया गया था। टू पॉपुलर गॉड जो है इस समय के थे, वन वाज द विष्णु एंड सेकंड वन वाज द शैव, और इन्हीं दोनों के मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं सारे डिटेल्स। विष्णु पुराण कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस लेजेंड्स ऑफ विष्णु एंड अ लॉ बुक कॉल्ड द विष्णु स्मृति वाज नेम्ड आफ्टर दिस गॉड। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, एक और चीज आप लोग जान लीजिए कि जो रामायण हो गया या फिर महाभारत हो गया वो इसी पीरियड में कंप्लीट की गई है, ठीक है,
स्टार्ट तो बहुत पहले ही कर दी गई थी, 4000 बीसी से ही कर दी, 400 बीसी से ही कर दी गई थी, लेकिन कंप्लीट इस एज में जाकर के की गई है। क्लियर हो गया क्या चीज है? दूसरी चीज, कई सारी स्मृतियां जो है वो इस पीरियड में लिखी गई हैं। स्मृति का मतलब हो गया जैसे विष्णु स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, पराशर स्मृति हो गई, बृहस्पत स्मृति हो गई, तो बहुत सारी स्मृतिज होती हैं, टोटल 18 स्मृतिज अगेन है, और ये इसी पीरियड में ही लिखी गई है ये भी। अ फेमस वैष्णव मॉन्ग भागवत गीता हु टॉट विच टॉट डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा एंड स्ट्रेस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन असाइन टू ईच वर्ण appear during this period. तो अगेन वही चीज जो मैंने आप लोग को बताया वही यहाँ पर भी बताया गया है। Idol worship in the temple became very common. In fact, temple यहाँ पर बनने शुरू हो गए थे, तो temple की construction भी अगर हम लोग अभी discuss करेंगे। Agricultural festivals were given religious grab and color. Guptas were tolerant to a different religious sect. इकोनॉमी के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स सिस्टम के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टैक्स यहाँ पर उतना नहीं लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर टैक्स जो है बेसिकली वो भी अगेन अलग अलग पार्ट में है। जैसे एक है जिसको भाग बोला जाता है, दिस इज भाग। दूसरा है जो भोग बोला जाता है। भाग का मतलब ये होता है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से दिखे, तो भाग बेसिकली होता है जो लैंड टैक्स दिया जाता था, दिस इज लैंड टैक्स, और ये 1/6 से 1/4 मतलब ये वैरी करता रहता था। क्लियर हो गया क्या चीज है? भोग जो था वो बेसिकली जो राजा को रोज रोज दिया जाता था, जो भी एम्परर है उसको जो डेली बेसिस पे जो चीज दी जाती थी उसी को ही भोग कहा जाता है। इसमें सीरियल्स हो गए, फूड कंटेंट ही मेनली हुआ करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट होती है जिसे उद्ढंग बोला जाता है, दिस इज उद्ढंग, और ये बेसिकली कमर्शियल टैक्स है। कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोला जाता है कमर्शियल टैक्स। जैसे आप उद्ढंग का मतलब, दिस इज उद का मतलब क्या होता है? उद्यम, और उद्यम का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप पे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट बलि बोली जाती थी, दिस इज बलि। अब यहां पर जो बलि का सिस्टम है वो सामने निकल के आया था और वो रिलीजियस टर्म में निकल करके आया था, तो रिलीजन वाइज में रिलीजियस टाइम पर जो भी दान दक्षिणा जो भी देना है वो बेसिकली बलि के नाम से सामने आया था। नेक्स्ट ऊपरिक, ऊपरिक हालांकि ऊपरिक को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये बेसिकली जो लैंड के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाता था वही था बेसिकली ऊपरिक, जिसको आप बोल सकते हैं दिस इज टेम्पररी फॉर्मेट में एक तरीके से टैक्स टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। नेक्स्ट होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आता था उसको बोला जाता था प्रत्याय भूतावाद, दिस इज प्रत्याय भूतावाद, ठीक है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये टैक्स है। प्रत्याय मतलब होता है देना, तो बेसिकली जो होता है जब इंपोर्ट किया जाता है तो वो बेसिकली इंपोर्ट आ जाती है, ठीक है। बाकी जो है अग्रहार के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये जो है जब जो ब्राह्मण्स हैं उनको जब लैंड जो है वो गिफ्ट की जाती थी उसको बोला जाता था ये अग्रहार। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली हम लोगों ने टैक्स सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसको जरा इरेज करते हैं और देखते हैं व्हाट इज देयर इन द स्लाइड। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ द क्राफ्ट एंड कॉमर्स वर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, लैंड वर कैटेगराइज्ड एट क्षेत्र। अगेन देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, जो लैंड थे उनकी भी अलग अलग कैटेगरी की गई थी। जैसे एक बोला जाता है जिसे क्षेत्र बोला जाता है, जो कल्टिवेटेड लैंड होती थी। इसके अलावा एक होती थी जिसे खिल बोला जाता था, खिल जो होती थी वो भी अगेन जो प्लॉड फील्ड्स होती थी उनको बोला जाता था कि वो खिल गया एक तरीके से, ठीक है, कि वहां पर जो है वो खेती करने के लिए वहां पर जो हल वल जो चलाना है, प्लॉशर वगैरह कराना है वो करा दी गई है। नेक्स्ट होती है जो अप्रहत बोला जाता था, अप्रहत का मतलब होता था जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जहां पर जो होता है ऊसर भूमि आप वो कह सकते हैं, इनफर्टाइल लैंड हो गई, अप्रहत बोला जाता था उसे। इसके अलावा एक होती थी जिसे वास्तु लैंड बोली जाती, वास्तु का मतलब जहां पर कोई भी स्कल्पचर या फिर कोई आर्कियोलॉजी वगैरह की जाने वाली, आर्किटेक्चर वगैरह की जाने वाली है, कोई यहां पर भवन या कुछ भी बनाने जाएंगे तो उसको वास्तु लैंड बोला जाता था। नेक्स्ट गोचर बोला जाता था, दिस इज गो CHAR, गोचर का मतलब हो गया जहां पर ये पैस्चर लैंड हुआ करते थे, जहां पर गाय वगैरह जाकर के खाना वाना खा सकती है, तो गोचर हो जाती थी। लास्टली एक और होती थी जिसे बोला जाता था अप्रदा, दिस इज अप्रदा, और ये डिस्प्यूटेड लैंड को बोला जाता था, तो जो डिस्प्यूटेड लैंड होती थी उसको बोला जाता था अप्रदा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हमारे पास लैंड के कुछ अलग अलग नाम हो जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ द लैंड वॉज डन, उसके भी टर्म्स होते थे, जैसे
निर्निवर्तन हो गया या कुल्यवापा हो गया या द्रोणवापा हो गया। तो ड्रोन से आप याद रख सकते हैं, दिस इज लाइक अ ड्रोन, जहां पर उड़ा करके आप जो है वो मेजरमेंट कर लेंगे। कुल्यापा मतलब एक तरीके से अब जैसे इसको हिंदी में लिखेंगे, दिस इज लाइक कुल, मतलब कि सब कुछ नाप देंगे इससे हम। तो कुल्यापा यहां से भी आप याद करते हैं। निवारतन, ये भी अगेन जो है निवारतन, एक तरीके से निवारण कर रहे हैं यानी मेजरमेंट को फिर से कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, वो उस तरीके से याद कर सकते हैं। क्रॉप्स मेनली कौन कौन से की जाती थी, एक तो बार्ले थी, फिर वीट थी, पैडी, पल्सेस, वेजिटेबल, कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड शुगर केन। अगेन आप इसको देख सकते हैं कि ये वो इलाके हैं, जैसे देखिए मेनली यहां पर इनका जो टेरिटरी है वो क्या है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्या चीज उगाई जाती है, बेसिकली यही उगाई जाती है, कॉटन और जो शुगर केन है। जैसे गुजरात के एरिया को भी इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पर ये कॉटन तो उगाएंगे ही उगाएंगे। तो यहां से आप ज्योग्राफी इंटीग्रेट करके समझ सकते हैं। स्टेट प्रोवाइडेड फॉर इरिगेशन फैसिलिटी एंड देयर वाज अ मैकेनिज्म नोन एज घटी यंत्र। तो इन्होंने घटी यंत्र लगा करके रखा हुआ था जो कि इरिगेशन करता था, सिंचाई का काम करता था। इसको भी हम लोग अरघट्टा के नाम से भी जानते हैं, जो कि बेसिकली वाटर टू द फील्ड प्रोवाइड करता था। दिस इज अरघट्टा, ठीक है, अरघट्टा ये निकल करके सामने आती है, क्लियर। लैंड बिकेम अ कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज बीइंग सोल्ड एंड गिवन एज गिफ्ट। तो ये भी जो है वो लैंड एक कमोडिटी बन गई थी और अब ये इसकी खरीद फरोख जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ग्रामिका या कुटुंबिका या महारताज वर रेसिडेंट ऑफ द विलेज। इनफैक्ट ये महत्तर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये तहसील लेवल पर इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं देवर द रेजिडेंट ऑफ द विलेजेस एज वेल एज द लैंड ओनर्स हु आर इन्वॉल्वड इन डिसीजन ओवर द लैंड ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट थी जो होते हैं वही क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो वही इन्वॉल्वमेंट यहां पर भी हमें देखने को मिल जाती है। आगे अगर बात किया जाए तो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स जिनको नाम होता है कृषि बल, तो कृषि बल हो गया, दिस इज कृषि हो गया और दिस इज बल हो गया। तो बेसिकली क्या है, जैसे लेबर फोर्स होती है वैसे यहां पर क्या हो गया, एग्रीकल्चरल फोर्स हो गई, या इसी को कृषक भी बोला जाता है। तो कृषक भी क्या है, फार्मर हो गया एक तरीके का। किनास, किनास जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि दिस इज किनास, ये जो है वो नया वर्ड है आपके लिए। जो क्राफ्ट है प्रोडक्शन की जाती थी, क्राफ्ट प्रोड्यूस कंसिस्टेड ऑफ डोमेस्टिक यूज आइटम्स एंड लग्जरी। तो बेसिकली क्या है, ये मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया, और इनफैक्ट मेड इन इंडिया भी आप बोल सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों में जो होता है यहीं पर इन्हीं का राज चल रहा था। सम आइटम्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड आल्सो ट्रेडेड, यानी क्या है, बाहर हम ही लोग उस समय जो है चाइना आज के बने हुए थे। सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मर्चेंट्स इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसे नगर सेथी भी बोला जाता था, या इसी को बोला जाता था सार्थ वाहन। अब देखिए नगर सेथी बोला जाता है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो निगम होता है ना एक तरीके का, ग्रुप ऑफ द मर्चेंट्स, उन्हीं को बेसिकली बोला जाता है नगर सेथी, जो एक जगह पर बैठते थे हेडक्वार्टर में, उसी का नाम दे दिया गया था नगर सेथी, क्लियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक श्रेणी एग्जिस्टेड विद रेगुलेटेड एंड कंडक्टेड इट्स मेंबर्स। तो श्रेणी आप बोल सकते हैं आज की डेट में जो नेस्कॉम है या असोचैम है, जो एक ग्रुपिंग बना दी जाती है वो हो जाती है। इनइक्वालिटीज एग्जिस्टेड इन स्टेटस एंड पोजिशन इन क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, लाइक सुवर्णकार एट हायर पोजिशन एंड कुंभकार एट लोअर पोजिशन। तो जो गोल्ड का काम कर रहा है ऑब्वियसली वो हाई पोजिशन पे होगा ही होगा, और जो पॉटरी का काम कर रहा है भाई सीधी सी बात है वो लोएस्ट ऑफ द सेक्शन में रहेगा, लोअर पोजिशन पे रहेगा ही, ठीक है। आगे बात करते हैं, दीज डिफरेंट क्राफ्ट प्रोड्यूस फॉर्म जातीज एंड बाय द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड सिटीज आर प्रीडेक्ट फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड अर्बन डीके। तो ये खैर दिस इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि जब भी कोई चीज डीके कर जाती है तो वो खत्म हो ही जाती है। आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड बात किया जाए तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है टेम्पल कंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर भी आप चीजों को जरा समझ लीजिए। यहां पर क्या होता था, अभी तक जो टेम्पल बनाए जाते थे वो बेसिकली सिंपल होते थे। सिंपल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे ही जमीन पर दो चार पत्थर रख दिया गया, ऊपर जो होता है एक छत बना दी गई, हो गया ये मंदिर। लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ कि अब ये शिखर टाइप के मंदिर बनना शुरू हो गए थे, मतलब इनके ऊपर जो है ये अगर टेम्पल बनाया गया तो टेम्पल अब एक प्लेटफॉर्म पे बनना शुरू हो गया था, मतलब एक हाइट पे बनना शुरू हो गया था। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म हो गई, फिर शिखर बनना शुरू हो गया, तो मतलब एक तरीके से इनको और ज्यादा सुंदरता ब्यूटिफिकेशन देना स्टार्ट हो गया था। ऐसा जो फर्स्ट टेम्पल बना था वो बना था कहां पर,
ये बना था झांसी में एंड दिस इज नोन एज दशावतार मंदिर. दिस इज दशावतार मंदिर, दशावतार टेम्पल. इसके अलावा कानपुर में भी एक टेम्पल है जिसे भीतरी टेम्पल बोलते हैं. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस गुप्ता डायनेस्टी. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसके अलावा जो मोस्टली जितने भी हमारे मंदिर टेम्पल्स हैं वो मध्य प्रदेश में ही बनाए गए थे. जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाइक नचना कुठार का मंदिर. दिस इज नचना कुठार टेम्पल, ठीक है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पंचायतन कह लीजिए कि जो होता है डिजाइन में बना हुआ है. दिस इज पंचायतन डिजाइन, ठीक है. ये सब क्या चीज होती है हम लोग बात करेंगे. इसके आगे नचना कुठार के आगे नेक्स्ट है मडियार मठ. दिस इज मडियार मठ, लेकिन हालांकि ये जो है वो बिहार में है. दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि ये बिहार में है और ये एक सर्कुलर डिजाइन में बनी हुई है. सर्कुलर पैटर्न है इसका, फाउंडेशन जो है इसकी वो सर्कुलर है. इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल है, लाइक पिपरिया का टेम्पल हो गया, नागूद टेम्पल हो गया, एरड टेम्पल हो गया, सांची टेम्पल हो गया, भूमना एरड, बहुत सारे टेम्पल है. इतना आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है. अब जरा आ जाते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द स्लाइड. देखिए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू वर द पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर. हालांकि समुद्रगुप्त जो है वो आर्ट लिटरेचर इसके अलावा म्यूजिक का भी था और इनफैक्ट ये खुद वीणा बजाता था और इसीलिए इसने वीणा टाइप के कॉइन्स भी निकाले थे. जबकि चंद्रगुप्त टू जो है वो आर्ट और लिटरेचर का ही पैट्रोनेज दिया हुआ था. समुद्रगुप्त वर रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉइंस ऑफ प्लेइंग वीणा, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया अभी. मोस्टली गुप्तन आर्ट इज रिलीजियस इन नेचर, तो ये बेसिकली रिलीजियस होते थे. इनफैक्ट इस टाइम के जितने स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलता है. हालांकि इन लोगों ने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को ही फॉलो किया हुआ है, लेकिन इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो फोटोज बनाई जाती थी वो बेसिकली विदाउट जो है विदाउट क्लोथिंग्स के साथ बनाई जाती थी. मतलब उसमें कपड़े वपड़े नहीं दिखाए जाते थे ताकि जो कर्व्स हैं उनको प्रॉपरली दिखाया जा सके, उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके. लेकिन गुप्ता पीरियड में इन्होंने क्लोथिंग्स के साथ बनाना शुरू कर दिया जिससे और ज्यादा सुंदरता उसकी सामने निकल करके आई. इसके अलावा इन्होंने जो ये मान लीजिए कि दिस इज सपोज हेड, मान लेते हैं कि ये कोई है और इनका जो ये हेड है, हेड के चारों ओर कई बार आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा पूजा पांडाल वगैरह में कि जो है इनके पीछे जो है एक गोल गोल सा बना दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज प्रभा मंडल. दिस इज प्रभा मंडल. और ये जो प्रभा मंडल पहले जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बनाई जाती थी वो काफी सिंपल होती थी, लेकिन गुप्ता पीरियड में इसकी भी ब्यूटिफिकेशन पर काम किया गया, इसकी भी सुंदरता पर काम किया गया. तो इस तरीके से जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट बनाए गए थे. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में आपको रखना है. 2 meter हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा विच वॉज रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज नियर भागलपुर बिहार. यहां से हमें इसी तरीके का सिस्टम मिलता है. 25 meter कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा एज मेंशन बाय फहयान बट इट इज नॉट ट्रेसेबल नाउ. ये अभी जो होता है हमारी जानकारी में नहीं है कि कहां गया वो. इसके अलावा जो है बुद्ध की और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर इमेजेस जो है वो सारनाथ और मथुरा से हमें देखने को मिली. और इनफैक्ट मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये 3 सेंटर थे जहां पर मूर्तियां बनती थी. कौन कौन से? वन वॉज द मथुरा, दूसरा सारनाथ और तीसरा पाटलिपुत्र. दिस इज पाटलिपुत्र पटना, ठीक है. तो ये 3 सेंटर थे जहां पर ये पूरा का पूरा स्कल्पचर जो है वो बेसिकली बनाया जाता था. मोस्ट ऑफ द पेंटिंग इन अजंता डिपेक्ट वेरियस इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड वर फ्रॉम गुप्तन पीरियड. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अजंता में जो केव नंबर 16, 17, 19 है वो इसी पीरियड में बनाई गई थी. 16 में क्या दिखाया गया है? एक डेथ प्रिंसेस को दिखाया गया है, एक डेड प्रिंसेस है उनको दिखाया गया. 17 में अजात शत्रु को दिखाया गया है, बुद्ध के साथ में मिलते हुए अजात शत्रु और बुद्ध की मीटिंग दिखाई गई है. 19 में जातक स्टोरीज के बारे में दिखाया गया. जातक स्टोरीज का मतलब बुद्धिस्ट टाइम की स्टोरीज, उनको जो है वो दिखाया गया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इमेज ऑफ विष्णु शिवा एंड अदर हिंदू गॉड वर फाउंड. पहली बार फोटो बनाई गई, स्कल्पचर्स वगैरह वो बनाई गई है. आगे अगर बात किया जाए, फ्यू टेम्पल्स मेड ऑफ ब्रिक इन उत्तर प्रदेश, जैसे
भीतर गांव इन कानपुर, भीतरी इन गाजीपुर एंड स्टोन टेम्पल वॉज फाउंड। इसके अलावा बाकी सारे जो है वो पत्थरों से बनाए जाते थे, जैसे दशावतार टेम्पल वगैरह हो गया, ये सब पत्थरों से बनाया गया। बाकी भीतरी गांव कानपुर का ये ईंट से बनाया गया है, ब्रिक से बनाया गया। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा में सेटअप की गई थी किसके टाइम पर? कुमार गुप्त के टाइम पर, भूलना नहीं है ये सब, ठीक है? तो कुमार गुप्त के टाइम पर यह नालंदा बनाया गया था, जिसे महमूद गोरी के आने के बाद, मोहम्मद गोरी के आने के बाद जो है यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसको हम लोग मेडिवल टाइम पर बात करेंगे। लास्टली हम लोग जरा आ जाते हैं लिटरेचर पार्ट में। हालांकि लिटरेचर को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं और देख लेते हैं कि आखिर में एक लिटरेचर से रिलेटेड क्या कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स वगैरह का नाम जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए फटाफट वन बाई वन करके जरा डिस्कस किया जाए। सबसे पहले नीति शास्त्र। तो ये जो नीति शास्त्र है ये बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी कामंदक के द्वारा, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। और ये कौटिल्य के डिसिपल शिष्य थे, स्टूडेंट थे। एंड इट डील्स विद द स्टेट क्राफ्ट ऑफ द पोस्ट मौर्यन पॉलिटिक्स। द बुक गिव्स द डिटेल ऑफ चंद्रगुप्त वन, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य देयर वर 9 पोएट्स, 9 रत्न के नाम से इनको जाना जाता था। कौन कौन थे ये? तो हालांकि ये जो होता है ज्योतिर विदाभरना, यहां पर भी जो है वो मतलब मेंशन किया गया। इसमें जरा देखिए कौन कौन से नवरत्न थे। एक तो थे कालिदास, इसके बारे में तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे थे जो अब आ जाते हैं जरा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, तो छापड़क, जैसे छापड़क ये जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। वराह मिहिर, ये भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वराह मिहिर, ठीक है। नेक्स्ट अमरकोश, ये जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, तो अमरकोश हो गया। अमर सिंह एक्चुअली थे, अमर सिंह और यही अमर सिंह है जिन्होंने 39 अवतार के बारे में बताया था विष्णु के। और इसके अलावा इन्होंने वोकैबुलरी के लिए, संस्कृत वोकैबुलरी के लिए एक अमरकोश लिखी है। दिस इज अमरकोश एंड दिस इज एक्चुअली द संस्कृत वोकैब, संस्कृत वोकैब, ठीक है। इस अमर सिंह के अलावा एक और लिटरेचर के लिए थे जिनका नाम था वर रुचि, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजी के लिए, मतलब कि जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाया जाता है उसके लिए शंकु थे, ठीक है। फिर विक्रम बैताल की कहानी आपने सुनाई होगा, तो बैताल भट्ट हो गए, दिस इज बैताल भट्ट हो गए, तो ये सातवें हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आ जाया जाए आठवें नंबर पे हरिशेण हो गए, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, हरिशेण। एंड लास्टली नवे नंबर पे आ जाते हैं धनवंतरी, दिस इज धनवंतरी, जो कि चिकित्सा से रिलेटेड है, मतलब कि मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली 9 रत्न थे, इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगेन एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको जरा इरेज करते हैं और देखते हैं आगे। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ताज वाज द संस्कृत, और वर रुचि तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, वर रुचि लिटरेचर के लिए, और साथ ही साथ में जो अमरकोश मतलब कि अमर सिंह, ठीक है। ऑर्नेट स्टाइल ऑफ संस्कृत इज यूज इन राइटिंग एंड डेविएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल संस्कृत। थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों को लिंक करना चाहूंगा। हम लोगों ने बात किया था वकाटकाज के लिए, वकाटकाज को मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने वैदिक सिस्टम को या वैदिक लिटरेचर या वैदिक लाइफ को इन्होंने साउथ इंडिया तक लेकर के गए थे, क्योंकि कर्नाटक तक इनकी टेरिटरी थी, बिरार तक इनकी टेरिटरी थी, तो इन्होंने वैदिक लिटरेचर्स को लेके गए थे। साथ ही साथ में इन्होंने संस्कृत को भी साउथ इंडिया में लेकर के गए थे। क्यों लेके गए थे? क्योंकि ऑब्वियसली गुप्ता और वकाटक के बीच में एक रिलेशन था। संस्कृत में पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा मिलता है हमें? संस्कृत में पहला इंस्क्रिप्शन मिलता है जूनागढ़ का, जिससे किसने बनवाया था? रुद्र सेन वन ने। कौन था ये? शका रूलर था, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने शकास के टाइम पर ही पढ़ लिया था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सम स्कॉलर्स वर जैसे अमर सिंह ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, संस्कृत ग्रामेरियन, वन सेकेंड, संस्कृत ग्रामेरियन एंड पोर्ट हुवर हुरोट मार्कोश, धनवंतरी थे जिन्होंने आयुर्वेद लिखा हुआ है, वराह मिहिर जो बृहत संहिता लिखे हुए हैं, डील्स विद आर्किटेक्चर टेम्पल एंड प्लैनेट्स वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद है देवी चंद्रगुप्तम, जिसे विशाख दत्त ने लिखा हुआ है, डील्स विद द किंग रामगुप्त, वही ध्रुव देवी वाली कहानी जो अगेन शका के साथ में ट्रेड करने वाला था, वो यहीं से हमें ध्रुव देवी चंद्रगुप्तम में ही मिलता है। देन चंद्रगुप्त टू अटैक शकाज एंड गेट हर एंड मैरिड हर आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर रामगुप्त। तो ये ऑलरेडी हम लोग स्टोरी जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। मृक्ष कटिका ऑफ शूद्र, शूद्रक हो गए, डेटेड टू द अर्ली 5th सेंचुरी AD। इट डील्स विद द लव रिलेशनशिप बिटवीन यंग मैन
चारु दत्त एंड वसंत सेन, अ रिच कर्टिजन इन द गुप्ता पीरियड। तो अगेन जो होता है इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस हाँ ये नाम जरूर याद रखिएगा कि चारु दत्त और जो है वसंत सेन की यह लव स्टोरी है। फिर इसके बाद से कथा सरित सागर, ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। फिर एक लास्टली जो होता है गुणादि के द्वारा जो है वो वृहद कथा लिखी गई है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है। इसके अलावा कुछ और भी लिटरेचर्स हैं, देख लेते हैं उसको फटाफट। मोस्ट पॉपुलर राइटर जो है वो कालिदास थे, और कालिदास ने कई सारी यहाँ पर कह लीजिए अपनी राइटिंग्स लिखी है, जैसे विक्रमो वर्षीयम हो गए, मालविकाग्नि मित्र हो गए, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, तो बहुत सारी हैं। कुछ का नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मालविकाग्नि मित्र हो गए, इसमें किंग अग्निमित्र जो शुंग डायनेस्टी का था और जो सर्वेंटगण मालविका थी, इनके बीच में लव अफेयर के बारे में बताया गया है। जैसे कालिदास जो है वो बेसिकली शुंग डायनेस्टी से ही चले आ रहे हैं, और वो बेसिकली वाकाटक डायनेस्टी में भी कुछ समय तक जा करके रहे थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कालिदास ने कौन कौन सी डायनेस्टीज देखी है। तो एक हो गया जो आपका शुंग डायनेस्टी देखा है, फिर कांव डायनेस्टी भी देखा है, सातवाहन डायनेस्टी भी इन्होंने देखा हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी भी इन्होंने देखा हुआ है, और लास्टली वाकाटक डायनेस्टी भी देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम, इट इज अ स्टोरी ऑफ राजा दुष्यंत, किंग दुष्यंत हंटिंग ट्रिप और शकुंतला की मीटिंग होती है, उसके बारे में अगेन बताया गया। दिस इज ऑल्सो अ लव स्टोरी, कालिदास ने मेनली लव स्टोरीज ही लिखी हुई है। इसके अलावा विक्रमो वर्षीयम, इट इज ऑल्सो अ स्टोरी बिटवीन मॉर्टल किंग पुरवाज एंड सेलेस्टियल निम्फ उर्वशी। तो पुरवा और उर्वशी के बीच की यह स्टोरी, अगेन दिस इज ऑल्सो अ लव स्टोरी। आगे बात करा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस भी लिखे गए थे इस टाइम पर, एंड दीज ऑल कॉमेडीज आर नॉट कम अक्रॉस ट्रेजेडीज, कैरेक्टर ऑफ हायर एंड लोअर क्लासेस डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, वुमेन एंड शूद्रास फीचरिंग दीज प्ले यूज प्राकृत। तो खैर नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, यहां पर चीजों को आप ये स्किप कर सकते हैं। दिस पीरियड सॉ कंपाइलेशन ऑफ टू एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर कंपाइलेशन मतलब कंप्लीशन देखने को मिला था, और साथ ही साथ में कुछ स्मृतिज भी लिखी गई थी। इसके अलावा दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस साइंटिफिक वर्क लाइक आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम लिखा, विच इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल सिस्टम, तो जो दशमलव प्रणाली है डेसिमल सिस्टम है वो इसी टाइम पे आई थी। इसके अलावा वराह मिहिर की जो है रोमाक सिद्धांत, ये भी जो है इसी टाइम पर आई थी। ब्रह्मगुप्त ने फिर इन्होंने न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जैसे कहा जाता है ना कि न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी बीइंग प्रपोज्ड बाय द ब्रह्मगुप्त, या फिर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये भी ऑलरेडी ब्रह्मगुप्त ने पहले से बता के रखा था, बट हमारे पास पेटेंट नहीं था, तो पेटेंट नहीं था तो फिर हम लोग फंस गए। हिज वर्क ब्रह्म स्फोटक सिद्धांत एंड कणाक दिया, ये जो है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इनकी लिटरेचर्स थी। लास्टली आ जाते हैं हम लोग जरा डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू और दूंगा रिलेटेड विद व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। तो हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो लास्ट रूलर थे आफ्टर द गुप्ता पीरियड, वो वीक साबित हुए थे, एंड इसके कारण से जो है अगेन जो गुप्ता डायनेस्टी है वो वीक होना शुरू हो गई थी। इसके वीक होने के दो रीजंस थे, एक हुंस का अटैक होना शुरू हो गया था, हुंस अटैक, हालांकि भानुगुप्त ने इनको खत्म तो जरूर कर दिया था लेकिन ये खत्म नहीं हुए थे, और बाद में फिर ये अटैक करना शुरू कर दिए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए थे। दूसरा जो यहां पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था मैत्रक डायनेस्टी, दिस इज मैत्रक डायनेस्टी, इन्होंने भी जो है वो बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे। इसको हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, मैत्रक डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे हुई थी, और किस तरीके से डायनेस्टी भी खत्म होकर के दूसरी डायनेस्टी आती है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये दोनों डायनेस्टी जो है वो अल्टीमेटली गुप्ता अंपायर को फोर्स्ड टू डिक्लाइन एंड अल्टीमेटली इलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला। द गुप्ता डिक्लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ स्कंद गुप्त एंड द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त टू, he was successful in retaliating against the Huns and Pushyamitras, और ये Pushyamitra basically वो Maitrak dynasty के ही थे, but his empire was drained of finance and resources because of this, तो weak हो चुके हैं तो obviously खत्म हो ही जाएंगे। जो last ruler था वो विष्णुगुप्त था, जो कि 542-550 AD तक ही चला। Internal fighting and dissensions among the royal family led to weakening, यानी कि एक बात यहां से समझ में आ जाती है कि जब भी गुप्ता empire disintegrate होगा, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रूलर्स जो है वो सामने निकल के आएंगे अलग अलग एरियाज में। ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता
किंग बुद्धगुप्त वाकाटक रूलर नरेंद्र सेन ऑफ वेस्टर्न डेक्कन अटैक्ड मालवा मिकला एंड कोशल. लेटर ऑन अनदर वाकाटक किंग हरिसेन कॉन्कर्ड मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द गुप्तास. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न का इलाका है, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया जैसे मालवा का रीजन हो गया, मिकाल का रीजन हो गया या फिर कौशल का रीजन हो गया, तो ये बेसिकली इलाके जो है वो फ्री करते जा रहे हैं. एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, जिस तरीके से पहले पाटलिपुत्र काफी इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था मौर्यन टाइम पर, ऐसे ही आगे जाकर के कन्नौज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है. इनफैक्ट इस कन्नौज के लिए राष्ट्रकूटाज, ठीक है, इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार और पाल डायनेस्टी ने एक साथ कंपटीशन लड़ा था, जिसमें अल्टीमेटली पहले तो राष्ट्रकूटाज जीत गए थे, लेकिन अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहार जो है वो एक सामने निकल के आए थे, विजेता के रूप में सामने निकल के आए थे, विनर के रूप में सामने निकल करके आए थे. तो कन्नौज के लिए फाइट हुई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा क्या चीज है. आगे तो हम लोग खैर इसके जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे और आपस में जो वॉर हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही. ड्यूरिंग स्कंद गुप्त रेन हुंस जो है वो इन्वेट किए थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट वर रिस्ट्रिक्टेड, बट इन द सिक्स सेंचुरी दे ऑक्यूपाइड मालवा गुजरात पंजाब गांधार. तो वेस्टर्न का जो इलाका है वो अगेन वीक होने के कारण से इस इलाके में टेरिटरी जो है वो इन्होंने कैप्चर कर ली थी. आगे अगर बात किया जाए, द हुंस इन्वेजन वीकेंड द गुप्ता होल्ड इन द कंट्री. तो इस तरीके से इन्वेजन गुप्ता को और ज्यादा परेशान कर दिया था, ठीक है. इंडिपेंडेंट रूलर्स इमर्ज्ड ऑल ओवर द नॉर्थ लाइक यशोधर्मन ऑफ मालवा, मोखरीज ऑफ यूपी, मैत्रकाज ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर इन बंगाल. द गुप्ता एम्पायर वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मगध ओनली. यशोधर्मन हैड ज्वाइंट फोर्सेज विद नरसिम्हगुप्त एंड सक्सेसफुली रिटेलिएटेड अगेंस्ट द हुन चीफ मिहिरकुल. द लेटर गुप्ता फॉलोइंग द बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म, अनलाइक देयर एंसेस्टर्स हु वीकेंड द एम्पायर, दे डिड नॉट फोकस ऑन एम्पायर बिल्डिंग एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. और इस तरीके से वो वीक थे और अल्टीमेटली एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है. सो द वीक रूलर्स अलोंग द इंसेंट इन्वेजन्स फ्रॉम फॉरेन एज वेल एज नेटिव रूलर कॉज द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर. बाय द बिगिनिंग ऑफ द सिक्स सेंचुरी द एम्पायर हैड डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज रूल्ड बाई मेनी रीजनल चीफटेंस. और वो कौन कौन से थे, जैसे ये स्लाइड ये लाइन आपको बता देगी कि यशोधर्मन ऑफ द मालवा, मोखरी ऑफ यूपी, मैत्रक ऑफ सौराष्ट्र एंड इसी तरीके से बंगाल में गौड़ डायनेस्टी आ गई थी, पाल डायनेस्टी आ गई थी, फिर अल्टीमेटली सेन डायनेस्टी आ गई थी. तो हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तो एक बात आप लोगों को मिल गई कि ये जो डायनेस्टीज हैं इनको हम लोग सेपरेटली वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस. और जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग साउथ इंडिया की ओर जाएंगे, संगम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जो वहां की डायनेस्टीज थी, जैसे राष्ट्रकूटास के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो चोल चेर पांड्य जितने भी बाकी सारे डायनेस्टीज है, लाइक पल्लव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया और चालुक्य के बारे में भी डिस्कस नहीं किया. तो अभी कुछ दिन चलेगा ये, कंप्लीट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगेन काफी डिटेल्ड मैनर में और सारा का सारा चीज हम लोग देखेंगे बियॉन्ड द बुक्स एंड बियॉन्ड द बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है. तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स को यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.